हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर निफ्टी का व्यू बताया था और यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर बताते हुए दिखाई दिए थे कि किस तरीके से क्या हो सकता है, एंड एट द एंड वही चीज़ होते हुए दिखाई दी थी। एज वेल एज यहाँ पर एस्टेक लाइफ साइंस एबीबी इंडिया से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जहाँ पर एबीबी इंडिया भी भागता हुआ दिखाई दिया था और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एस्टेक भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था। तो इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन हो, जिनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो उन्हीं शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भी जगह देनी है, उन्हीं पोर्टफोलियो में स्विंग भी करना है, उन्हीं पोर्टफोलियो में आपको ट्रेडिंग भी करनी है, तभी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो आज भी आपके सामने ऐसे 5 स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि एक ही इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जहां पर आप पैसा लगाते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है। और यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, आप चाहे तो अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजीशन लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टॉक जो कि आपके सामने, पंजाब एल्क्रीज। देखिए, 91 रुपीज के आसपास का ये स्टॉक्स है। कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो देखिए 2225 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। तो कहीं ना कहीं शेयर या तो ज्यादा भागता हुआ या फिर ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसके लिए इस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, बट चीजें अच्छी हो तो वहां से बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं इनके चार्ट पैटर्न। और जब गिरावट दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रेशर था। पीई 39 का, इंडस्ट्री का 29 का, तो कहीं ना कहीं पीई के मतलब से महंगी है। बट आरओसी आरओई देखेंगे तो 39 और 30% के आसपास के, जो कि बेहतरीन है। और लगभग कंपनी डेट फ्री है, 22% के आसपास का ही डेट है, तो ये कंपनी इस बेसिस पे अच्छी खासी दिखाई देती है। एक बार इनके फंडामेंटल्स चेक कर लीजिएगा या फिर एक वीडियो बनाएंगे। अभी जस्ट आपको एक रिवीजन टाइप में यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनी मौजूद है जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर देखिए 2-6 रुपए का स्टॉक चला करता था, यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर ये शेयर दे चुका है। इसके अलावा सेल्स की बात करें तो इस बार की सेल्स देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स थी, 161 करोड़ रुपीज की। प्रॉफिट देखिए 54 करोड़ रुपीज का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 34 करोड़ रुपीज का, जो कि ईयरली बेसिस पे कितना बेहतरीन है, इनका मतलब नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और ऐसी कंपनी को ही आपको ध्यान में देना है। और यहाँ पर देखेंगे 42 करोड़ रुपीज का अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे एक साइड बेस, और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हाईएस्ट एवर पिछले 10-11 साल में अभी यहाँ पर सेल्स आई है और सेम यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा सा इन कंपनी की तरफ भी आपको ध्यान देना है, बट कॉशियस वे में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक शेयर ये काफी चल चुके हैं, रिजर्व अच्छे खासे है। डेट की बात करें थोड़ा बहुत डेट बढ़ता हुआ नजर आया है, बट ठीक है। और इसके बाद देखिए 31.35% के शेयर ऑपरेटर प्रोमोटर्स के पास है, बाकी 68 में यहाँ पर देखें तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने और कुछ बड़े यहाँ पर प्लूटोस वेल्थ मैनेजमेंट LLP ने यहाँ पर शेयर ले रखे हैं। पंजाब एल्क्रीज की अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो 5 शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर शेयर जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पर एक जो ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है 84.7 का, ओके 84 रुपीज के आसपास का, इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको ध्यान देना है। ओके, इसके नीचे अगर चीजें आती है तो थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, याद रखिएगा 66 रुपए तक आ सकता है। बट जिस तरीके के रिजल्ट आए मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरावट होगी। और हमेशा याद रखिए जो घोड़ा तेजी का होता है ना, उधर ही आपको ट्रेडिंग भी करनी है और उधर ही आपको स्विंग भी करना है। क्यों? जहां पर आप तेजी में इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है चीज रिटर्न आपको अच्छे खासे मिलते हुए नजर आएंगे। इसलिए गिरती हुई चीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि गिरती हुई चीज आपको यहाँ पर फंसा सकती है, पर भागती हुई चीज फंसाने की कोशिश कम कर सकती है, बट वहां पर आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आप पोजीशन ले भी रहे स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको पता ही है कहाँ लगाना है, और अगर इससे चीजें नीचे आती है तो आपको बेच के ही चलना है, इस चीज को याद रखिएगा। बाइंग सेलिंग की किसी भी शेयर में आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी, याद रखिएगा इस चीज को भी। तो ये स्टॉप लॉस है, और इसे रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करता है 101 रुपए का, तो याद रखिए एक तेजी भी होती हुई नजर आ सकती है। तो पंजाब एल्क्रीज। दूसरा स्टॉक्स की बात करें तो दूसरा स्टॉक यही है पंजाब केमिकल से रिलेटेड सॉरी। तो यहाँ पर देखिए
इंडस्ट्री का पी 27 है, 19 के पी पे मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज पे ध्यान दीजिए, आरओसी आरओई जो भी मैं शेयर बता रहा हूँ काफी बेहतरीन है, 45% के आसपास का। तो ऐसे ही शेयर को चूज करना है, पर स्मॉल कैप में ऐसे शेयर बहुत कम मिलते हैं। 41% का डेट है ना, डेट है बट इतना ज्यादा डेट भी नहीं है, इस चीज को भी याद रखिए। इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ये शेयर चल रहा है और काफी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। और एग्रो टेक, एग्रो केमिकल्स, एग्रो फार्मा से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है, तो याद रखिए एग्रो की बातें काफी यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट की भी, और फॉरेन में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है। सेल्स की बात करें अच्छी खासी सेल्स है, प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 13% है जो कि ईयरली बेसिस पर काफी बेहतरीन है। तो ये चीज मुझे दिखाई देती है कि यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल के दिखाई दे सकता है। प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पर अच्छा है, बात करें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर मार्जिन पर थोड़ा सा इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, पर एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस कंपनी की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, FIs भी है, DIs भी है, पर यहाँ पर पब्लिक के पास भी यहाँ पर शेयर अच्छे खासे नजर आते हैं, और बट बड़े बड़े लोगों के पास भी अच्छे खासे शेयर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पंजाब केमिकल के चार्ट की। तो पंजाब केमिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट हुई जब हुई, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट जो चक्का चीज होती है उस सपोर्ट को इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और उसी सपोर्ट से चीजें यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पहले रुका था, इससे पहले भी यहाँ पर से ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। ये देखिए ये सपोर्ट यहाँ पर काम आया, और जैसे ये सपोर्ट यहाँ पर बनाए ओके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आई है जिसका नाम है हैमर, तो ये हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सेम हैमर यहाँ पर बना था, तो एक रैली होती हुई दिखाई दी थी, अगेन हैमर बन रहा है तो अगेन यहाँ पर एक रैली होती हुई दिखाई दे सकती है। शायद इतनी लंबी रैली ना हो बट स्टिल यहाँ पर एक रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है, और इसे ऊपर भागने के लिए याद रखिए इस लेवल 1514 को 41 रुपए का ये लेवल ऊपर निकालता है तो सीधे ये शेयर 1600 रुपए के आसपास जाएगा, और ये भी लेवल निकालता है तो 1900 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। रिटर्न्स हम देख चुके हैं और बार बार इसी फेज में यहाँ पर घूम रहा है, और ये एक इसका घर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सपोर्ट ये है, इस चीज के नीचे आएगा तो याद रखिए गिरेगा शेयर, और सीधे यहाँ पर 1163 तक आ सकता है और भी गिर सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट ये है, अगर काम करें तो स्टॉप लॉस भी इसी तरीके से लगाइएगा, बट रिटर्न्स और यहाँ पर ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पर जाके शायद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है दोबारा, बट अगर इससे क्रॉस करता है तो 1600 और फिर उसका 1900 का लेवल तैयार है। तो यहाँ पर इन शेयर की तरफ भी ध्यान देना है पंजाब केमिकल, और यहाँ पर मंडे को आप चाहे तो ट्रेडिंग का भी यहाँ पर बैठ ले सकते हैं अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है जो ऊपर जाता है, तो याद रखिए ये शेयर ऊपर भागते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और पर्टिकुलर शेयर की जिसका नाम क्या है, मॉल। मॉल मींस मेघमानी ऑर्गेनिक। मेघमानी ऑर्गेनिक की बात करें काफी बेहतरीन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर 3301 का। देखिए सारे के सारे मोस्टली स्मॉल कैप ही है, स्मॉल कैप शेयर है। 11 का पी है, 24 का इंडस्ट्री का पी है, 24 और 22% के आसपास का आरसी आ रही है, 34% के आसपास का डेट है। तो डेट भी यहाँ पर कम है, 152 रुपए से शेयर यहाँ पर टूट के 130 पे आ गया है, और इसके रिजल्ट देखेंगे माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। लगातार यहाँ पर जंप है, 812 करोड़ की सेल्स है। प्रॉफिट की बात करें 134 करोड़ रुपए का, और 16% का मार्जिन है जो कि ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा है, और ईयरली बेसिस पे तो दुगना है। तो यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना है, याद रखिए गिरावट में मिल रहा है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। यहाँ पर 102 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बेहतरीन रिटर्न्स, और ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस, 3 गुना 3 साल में। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्स देख लीजिए, बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी इस क्वार्टर में बड़ी है, बट स्टिल 181 करोड़ रुपए का वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, कैश सब्सिडी यहाँ पर अच्छी खासी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.41 है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा FIs के पास एज इट इज 1.25, DIs गवर्नमेंट के पास 0.05 04, और पब्लिक के पास यहाँ पर 49 में से भी यहाँ पर घटा देंगे, तो ये अच्छी खासी होल्डिंग पब्लिक के पास नजर आती है। तो यहाँ पर MOL की हम बात कर रहे हैं तो मेघमानी ऑर्गेनिक की तरफ भी आपको ध्यान देना है। इसे देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनाई थी, इसका गिरावट, और अगेन यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दिया है, और ऐसी कैंडल जब भी बनती है तो एक गिरावट होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए ये गिरावट होती हुई दिखाई दी, सॉरी ये शूटिंग स्टार नहीं है, और यहाँ पर गिरावट हुई, और ये शेयर
जो इसका ये रिस्पेक्ट लेवल था, सपोर्ट था, उसे भी यहाँ पर तोड़ चुका है, तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट और होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है, इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। गिरावट की बात करें तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है, तो सबसे पहले लेवल तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, अगर इससे भी तोड़ देता है तो और ज्यादा गिरावट हो सकती है। बट जितनी गिरावट हो रही है ये जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में गिरावट हो रही है, इस वजह से गिरावट हो रही है। तो मौका है, याद रखिए, आप इसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये शेयर अब यहाँ पर एक कप और हैंडल बना के शायद ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस शेयर की तरफ आपको क्या दिखाई ध्यान देना है, मेघमानी की तरफ ध्यान दीजिए। स्विंग में स्विंग यूज करिएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता नहीं, बट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के यहाँ पर इस शेयर को ऐड करें। जब ये भागेगा तो बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे, बिलीव मी। और इस लेवल को अगर क्रॉस किया इसने, जो कि इसका हाई था 152-151 रुपए का, तो अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। ये हो गया मेघमानी। एक और कंपनी है, इसी का भाई है, मेघमानी फिनकैप। ओके, यहाँ पर देखिए ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 21 का यहाँ पर आरपीई रेशियो इसका 29 है, स्टिल अभी सस्ता है। यहाँ पर डेट आरओसी आरओई की बात करें 29% और 35% के आसपास की है। डेट कुछ ज्यादा है बट शेयर काफी बेहतरीन है, 1526। इस शेयर को मैंने 300 रुपए पे बताया था, आज ये शेयर 1500 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ये भी याद रखिए। इस शेयर को हम नीचे के लेवल से बताते हुए आ रहे हैं, बट ऑलरेडी लगभग 5 गुना ये शेयर हो चुका है, तो थोड़ा कॉशियस वे अपनाना है। बट ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन है, अगेन 500 करोड़ का यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर मार्जिन देखिए 35, क्योंकि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए वो अच्छा खासा है, यहाँ पर लगातार एक जंप दिखाई दे रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग भी यहाँ पर देखिए बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकती है। बट यहाँ पर देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में भी लगभग 600 करोड़ रुपए है, जो कि अच्छे खासे है। जब ये यहाँ पर एड होंगे सेल्स में तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.18% की है, FIIs भी है, DIIs भी है, पब्लिक के पास 27% की हिस्सेदारी है और कम होती हुई नजर आई है। तो आपको मेघमानी फिनकैम, ओके, MFL की तरफ भी आपको क्या करना है ध्यान देना है, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। बट और यहाँ पर देखिए एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ पर एक अगर हम देखें लगातार तेजी में, और जब लगातार तेजी होती है ना तो कॉशियस तो रहना है, बट ऐसे ही लगातार तेजी में यहाँ पर रिटर्न्स भी बनते हुए नजर आते हैं, और ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न देके जा सकता है, तो इस शेयर पर नजर रखना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, सपोर्ट, इस ये इसका एक सपोर्ट है, लेवल है, ओके, याद रखिए ये एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसे यहाँ पर टच करके ऊपर गया, यहाँ पर किया, इसी के लेवल को बार बार सपोर्ट कर रहा है, इसके नीचे गया तो याद रखिए गिरावट हो सकती है, जो इस शेयर को शायद 1136 और गिरावट हुई तो यहाँ पर 999 तक लेके जा सकती है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर गिरावट होती है, और याद रखिए अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस कर लेता है, रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला 1518 का जो ये रेजिस्टेंस है, इसे अगर निकाल देता है तो एक जंप होती ही नजर आएगी, जो इस शेयर को और ऊपर लेके जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने पर अगर ये ऊपर जाता है तो बाई करने की सलाह रहेगी, गिरता है तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, और दोनों लेवल आपको बता दिया, बट स्टॉप लॉस लगा के, क्यों? क्योंकि कहानी कभी बदल सकती है, अच्छे शेयर है, ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो मेघमानी की तरफ भी आपको ध्यान देना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों चीज बता दिए। फिर भी कोई क्वेरीज हो नीचे आप कमेंट करिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था और उस दिन से भागना जो शुरू किया है, शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पी रेशो 20 का पी है, 27 का इंडस्ट्री का, कहीं ना कहीं सस्ता है। आरओसी आरओई अच्छा, थोड़ा खास नहीं है, 38% के आसपास का डेट है, और कंपनी मिड कैप कंपनी है, काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स आई है, और जो मार्जिन है वो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा आया है, प्रॉफिट अच्छा खासा आया है, ईयरली बेसिस पे कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा है, और कहीं ना कहीं लिथियम आयरन बैटरी जो आयन बैटरी जो बनेगी इसी के थ्रू बनेगी, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। एज इट इज है प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIIs, DIIs में बढ़ाई है होल्डिंग, और पब्लिक है, आज से यहाँ पर शेयर होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि पब्लिक जैसे ही गिरना लग जाता है बेचना शुरू कर देती है, ओके, डर के मारे, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आया नीचे, सपोर्ट लिया, एक बेहतरीन सपोर्ट है, अगेन अब इसके लिए सपोर्ट ये वाला है, अगर इसके नीचे आता है तो चीजें यहाँ तक आ सकती है, फिर आपको यहाँ पर खरीदने की राय रहेगी। बट जब तक ये ऊपर है तो यहाँ पर याद रखिए इस लेवल को अगर निकालता है, रेजिस्टेंस लेवल को जो इसका हाई था
ओके कितना था, 1070 के आसपास का है, 1070 को क्रॉस करता है तो सीधे ये 1152 अपनी ऑल टाइम हाई को जा सकता है, और 1152 रुपये को 55 को भी क्रॉस करता है तो याद रखिए एक रैली होती हुई दिखाई दे सकती है, और इसी कंसोलिडेशन फेज पे ये घूमते हुए नजर आ रही है। ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की यहाँ पर लाइन्स है, तो इन लाइन्स पे भी आपको ध्यान देना है। तो बाई सेलिंग दोनों की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो मुझे पता है लंबा हो गया है, बट हर चीज को बताना मेरा फर्ज था आपको बताना, कुछ स्टॉक से रिलेटेड इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिए। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये वो इन शेयरों की तरफ थोड़ा ध्यान कम दीजिए, रिजल्ट बेकार है, बट इन शेयर की तरफ ध्यान देंगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, वीडियो अच्छी लगे सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जितना हो सके शेयर करिए, और ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।